अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो मैं लेकर आया हूँ साइक्लो कंपाउंड की प्रिपरेशन। सही, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक रिंग कह लें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो प्रिपरेशन करेंगे वो क्या है हमारे पास, सबसे पहली प्रिपरेशन हम किसके साथ करेंगे, फ्रॉम बेंजीन के साथ। सबसे पहली प्रिपरेशन हमारी किसके साथ है, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन रिंग की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन रिंग बहुत टॉक्सिक कंपाउंड होता है और ये लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। यहां पर हमारे पास क्या होता है, अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के अंदर क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। अगर हम इसके ऊपर सिंपल रिडक्शन करवा दें, यानी कि सिंपल रिडक्शन से अगर मैं बात करूं तो 3H2 एज अ निकल की मौजूदगी में, तो ये क्या होगा, इसकी जो तीनों पाई बॉन्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे किसमें, बॉन्ड के अंदर। यानी कि ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर सारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा ऐड हो गया यहाँ, यानी 6 के 6 कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा। सही है। सेकंड अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो सेकंड प्रिपरेशन हमारे पास क्या है, फिनोल ले लें फ्रॉम फिनोल। फिनोल के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, साइक्लिक रिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया है, एक सिंपल फिनोल हमारे पास क्या है, सिंपल क्या कह लें कि ये फिनोल ही है, इसको कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। तो इस कार्बोनिक एसिड के ऊपर हम, मैं क्या करूँगा, सिंपल रिडक्शन करवा दूँ, यही 3H2 के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, रिडक्शन करवा रहा हूँ एज अ निकल या प्लेटिनियम या प्लेटिनियम के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, फिनोल किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, OH और यहाँ पे H आ जाएगा, बाकी इसके 6 के 6 कार्बन पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आकर ऐड हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम एसिड यूज करवा देंगे H2SO4 और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर की रिमूविंग हो जाएगी। जैसी वाटर की रिमूविंग होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ लगा लें या यहाँ लगा लें, किसी भी एक तरफ इसका क्या है, डबल बॉन्ड शो कर दे। सही है, यहाँ पे क्या हो, ये वाटर की मूविंग हो रही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब क्या होगा, इसके ऊपर एडिशन होगी, दोबारा हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे, यानी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे 2H2 2H के साथ निकल यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पास क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। सही है। तो यहाँ पर पहली प्रिपरेशन जो थी हमारे पास, हमने फ्रॉम बेंजीन के साथ की, फ्रॉम बेंजीन के ऊपर भी हमने क्या किया, रिडक्शन किया है एज अ निकल प्लेटिनियम प्लेटिनियम की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। दूसरी हमारी प्रिपरेशन क्या थी, फ्रॉम फिनोल के साथ, फ्रॉम फिनोल के साथ हमने प्रिपरेशन की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, सबसे पहले हमने रिडक्शन की तो हमारे पास क्या हो गया, ये अल्कोहल फॉर्म में आ गया, यानी कि 6 के 6 कार्बन के पास क्या हो गया, हाइड्रोजन आकर ऐड हो गया। फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज़ करवाया, सल्फ्यूरिक एसिड यूज में क्या हो गया, वाटर की रिमूविंग हुई, यानी कि एलिमिनेशन हुई वाटर की, तो वाटर बाहर निकला और यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। डबल बॉन्ड को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर रिडक्शन किया, तो हमारे पास ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। अब हम चलते हैं तीसरी प्रिपरेशन पे, अभी तक से जो हमने प्रिपरेशन की वो हमने क्या की थी, 6 कार्बन की चेन को की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं
किसी प्रिपरेशन हमारी क्या होगी, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल से हम करते हैं। यहां पे मैं ले लेता हूं पांच कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी ओएच ग्रुप ले लेते हैं। तो यहां पे पांच कार्बन के ऊपर हमने क्या किया, ओएच ग्रुप ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एसिड यूज करवाएंगे, H2SO4। H2SO4 जैसे ही यूज करवाएंगे तो वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होने पर क्या बन जाएगा, ये साइक्लो पेंटीन, सही है, डबल बॉन्ड आ गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो पेंटीन। अब क्या होगा, इसके ऊपर रिडक्शन कर देंगे, 2H2 और 2H की मौजूदगी में एज ए निकल हम जब डालेंगे तो क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, साइक्लो पेंटीन, सही है, क्या बन गया, साइक्लो पेंटेन। ये हमारे पास क्या बन गया था, साइक्लो पेंटीन, सही है। ये हमारे पास क्या था, साइक्लो हेक्सा और साइक्लो पेंटानोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या किया, अल्कोहल की जब प्रिपरेशन की तो हमारे पास क्या था, साइक्लो पेंटानोल था, यानी हम ये भी कह सकते हैं वन साइक्लो पेंटानोल। तो इसके ऊपर जब हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करवाएंगे, तो ये यहाँ से OH और यहाँ से H या यहाँ से OH यहाँ से H किसी जगह से भी आप निकाल दें तो ये डबल बॉन्ड शो हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, साइक्लो पेंटीन हमारे पास बन जाएगा। अब साइक्लो पेंटीन के ऊपर हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, साइक्लो पेंटेन, सही है। अब यहाँ पर ये हमारी तीसरी प्रिपरेशन हो गई, हमने पांच कार्बन की साइक्लिक रिंग बनाई। अब हमारे पास चौथी प्रिपरेशन है फ्रॉम डाई हैलाइड, सही है। डाई हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो डाई हैलाइड से एक विसिनल हैलाइड होते हैं, यानी विसिनल यानी कि दोनों एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मौजूद हो हैलाइड ग्रुप, या एक होते हैं जेमिनल, यानी जेमिनल से क्या मुराद है कि एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हैलाइड ग्रुप मौजूद हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम किसके जरिए करवा रहे हैं, हमारे पास एक कार्बन छोड़ के, यानी कि एक कार्बन है तो सेकेंड कार्बन को छोड़ के थर्ड कार्बन के ऊपर हैलाइड ग्रुप लगे हुए, यानी कि जैसे कि बाद में यहाँ कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्लोरीन है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है और फिर Cl, यानी देखो 1 और 3 कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ, क्लोरीन लगा हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसके ऊपर हम जिंक यूज करवाएंगे तो जिंक क्या करेगा, एज अ रेडिकल की सूरत में काम करेगा, रेडिकल की सूरत में काम करके क्या करेगा, क्लोरीन, दोनों क्लोरीन को बाहर निकालेगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लो प्रोपेन और साथ में जिंक डाई क्लोराइड, साइक्लो प्रोपेन और जिंक क्लोराइड, यानी कि इसका अगर मैं नाम लूं तो यहां पर क्या होगा, 1, 2, 1, 3 डाई क्लोरो प्रोपेन, सही है। प्रोपेन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जिंक यूज करवा रहे हैं, तो जिंक यूज करवाने के बाद क्या हो रहा है, ये साइक्लो प्रोपेन बन रहा है, यानी 3 कार्बन की चेन बन रही है, सही। तो यहाँ पर होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करेगा, जब इन दोनों से शेयर कर लेगा तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देंगे, तो ये इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे। रेडिकल फॉर्म होने के बाद यहाँ पर में बॉन्ड बना लेंगे और ये क्या बन जाएगी, साइक्लिक रिंग, सही। तो यहाँ पर हमारी क्या हो गई, पहली तीसरी प्रिपरेशन हमारे पास क्या की, हमने फ्रॉम अल्कोहल के साथ की। अल्कोहल के ऊपर जब भी एसिड यूज करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर की रिमूविंग होती है, तो यहाँ पर वाटर की रिमूविंग हुई और यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद हाइड्रोजिनेशन करवाई तो हमारे पास क्या बन गया, साइक्लो पेंटेन। फिर चौथी प्रिपरेशन हमारी क्या थी, फ्रॉम डाई हैलाइड के साथ हमने किया, यानी कि हैलाइड ग्रुप, यानी कि एक कार्बन और थर्ड कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ। तो जब हम इसके बाद जिंक क्लोराइड जिंक यूज करवाएंगे तो जिंक यूज करवाने पर ये क्लोरीन दोनों इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, साथ में साइक्लो प्रोपेन बन जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं पांचवी प्रिपरेशन, पांचवी प्रिपरेशन हमारी क्या है, फ्रॉम डील्स एल्डर
डी-एल्डर रिएक्शन, यानी डी-एल्डर रिएक्शन से हम जब भी ये देखेंगे हम ध्यान में रखेगा डाइन, यानी कि 1,4 डाइन के साथ इन का रिएक्शन होता है, यानी कि डाइनोफिल और इनोफिल का जब भी रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लिक रिंग फॉर्म होगी। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, 1,3-डाइन, 1 या ये कह लें ब्यूटा ब्यूट, 1,3-डाइन रिएक्ट टू इथीन, यानी कि इन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये रिएक्शन इधर होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये जाके इस कार्बन के साथ रिएक्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगी, एक साइक्लिक रिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इस इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बन गया, इधर ये इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड बन गया, ये वाला पाई बॉन्ड उठ के इधर गया और ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया। यानी अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो रहा है, एक साइक्लिक रिंग फॉर्म हो रही है। अब इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं निकल की मौजूदगी में, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, सही है। यानी ब्यूटा डाइन और इन के साथ जब भी रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लो हेक्सीन। इसके ऊपर रिडक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। सही, तो यहां पर हम अपनी 5 प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं। मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहली प्रिपरेशन हमने बेंजीन रिंग के साथ की, बेंजीन रिंग के ऊपर हमने रिडक्शन करवाया तो हमारे पास क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो गया। फिर दूसरी प्रिपरेशन हमने फ्रॉम फिनोल के साथ करवाया, फिनोल के ऊपर हमने सबसे पहले क्या करवाया था, उसके ऊपर हमने एसिड यूज़ करवाया था जिसकी ब्याह पर फिनोल, सबसे पहले हमने रिडक्शन करवाई जिसकी ब्याह पर वो क्या बन गया, साइक्लो हेक्सानॉल। फिर उसके ऊपर हमने क्या किया था, एसिड यूज़ करवाया जिसकी ब्याह पर वाटर रिमूव हो गया था, OH ग्रुप रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। फिर रिडक्शन करवाई तो डबल बॉन्ड भी रिमूव हो गया। फिर हमारे तीसरी प्रिपरेशन थी, हमने तीसरी प्रिपरेशन अल्कोहल के साथ की थी, उसके ऊपर भी हमने एसिड यूज़ करवाया, डबल बॉन्ड बना, साइक्लोपेंटेन हमारे पास बनी थी। फिर चौथी प्रिपरेशन हमने क्या किया था, 1,4-डायोल यानी 1,3-डाई हैलाइड के साथ करवाया था, तो साइक्लोप्रोपेन बना था। ये हमारी पांचवी प्रिपरेशन है जिसमें हमने डी-एल्डर रिएक्शन की मदद से हमने साइक्लिक रिंग फॉर्म किए। तो यहाँ पर मैं अपनी प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड का टॉपिक एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।